हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मादानी आज फिर से आ गया हूँ आप लोग के लिए एक नया सिलेबस रिडक्शन लेकर, मीन्स एक नए सब्जेक्ट का सिलेबस रिडक्शन लेकर। तो मोस्ट डिमांडिंग था हिंदी, गुजराती और इंग्लिश, सर उसी का भी रिडक्शन करवा दो। तो आज ये वीडियो में हम ये तीनों का रिडक्शन देखने वाले हैं, हिंदी, गुजराती और इंग्लिश। तो आप तीनों की टेक्स्ट बुक ले लो, पेंसिल ले लो, ताकि आप लोग सारी चीजें जो जो गई है वो कैंसिल कर सको। आई नो आप लोग भी एक्साइटेड हो ये रिडक्शन में क्या होने वाला है। अगर आप एक्साइटेड हो तो जरूर लिखना कि एक्साइटेड हो आप बहुत इसको लेकर, बिकॉज इसमें भी एसएस की तरह ही रिडक्शन आया है। मींस इसमें भी चैप्टर ही कैंसिल हो गए। क्या सुना आप लोग ने? सही सुना है, चैप्टर कैंसिल हुए हैं। अगर चैप्टर कैंसिल होते तो कितनी खुशी होता है, हो जाती है कि सर वाह मजा आने वाला है, चैप्टर ही नहीं पढ़ने हैं। यस, आपने सही सुना है, बहुत सारे चैप्टर निकल गए हैं। लेकिन उसके पहले एक और चीज बता दूं। चलो आप स्क्रीन पर आ जाते हैं। देखो आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप लोग ने ये पीडीएफ जो मैं दे रहा हूं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज बताओ कि हमारा जो होता है मींस जीएसईबी इंग्लिश मीडियम सेकेंड लैंग्वेज फॉलो करता है, मतलब गुजराती और हिंदी वो लोग का सेकेंड लैंग्वेज है, और बाकी अगर वो गुजराती मीडियम में होगा तो प्रथम लैंग्वेज गिना जाता है। तो हम लोग को इस रिडक्शन के अंदर से, देखो यहां पर आप लोग के सामने मैंने यहां पर देखो एसएल लिखा हुआ है, एसएल लिखा हुआ है, ये एसएल को फॉलो करना है। तो एसएल को अगर आप फॉलो करते हो इसका मतलब सेकेंड लैंग्वेज आप लोग फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ चैप्टर नंबर्स दिए हुए हैं और उसके बाजू में दिया हुआ है कि भाई ये चैप्टर नहीं आएंगे, मींस ये वाला जो है अभ्यास क्रम माथी चालू वर्ष माटे बात करेल प्रकरण गद्य और पद्य, ऐसे तो आपने टिक कर लिया होगा। फिर भी मैं एज अ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा बता देता हूँ। देखो गुजराती, सबसे पहले हम लोग गुजराती सेकेंड लैंग्वेज में चलते हैं। तो देखो मैंने आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक का इंडेक्स आ गया है। इंडेक्स में से आप देख सकते हो कौन से चैप्टर और कौन सी पोयम निकल गई है, तो आप इंडेक्स में कैंसिल कर देना। फिफ्थ चैप्टर, एट चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, टेंथ और इलेवेंथ, इसमें पोयम्स भी मैंने साथ में ले ली है। शायद यहां पर मेरे ख्याल से पोयम कौन सी है तो मैं जरा बता दूं, पोयम है नाइन और इलेवेंथ, नाइन्थ और इलेवेंथ आपकी पोयम है। तो टोटल गुजराती में से दो पोयम निकाली है और चैप्टर आपके तीन निकाले हैं। तो अगर मजा आ गया है तो ले लिखो ले भारी, ओके। और दूसरा आगे एक चीज और मेंशन की, यहां पर पढ़ लेना, कोई पण व्याकरण लेखन ना मुद्दे दूर करेल नथी, मींस आपका ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल में से कुछ भी निकाला हुआ नहीं है। तो ये सुन के थोड़ा दुख होता है कि सर ग्रामर तो निकला नहीं है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूं। एक बड़ा सरप्राइज ये है कि हम लोग आपके लिए जीएसईबी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, व्याकरण के वीडियोस बनाने वाले हैं। हमने सोचा कि स्टूडेंट को व्याकरण काफी हार्ड लगता है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम व्याकरण के वीडियोस बना दे। मींस हम लोग आपको यहां से व्याकरण एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्लोली स्लोली आएगा, जैसे जैसे आएगा आप देखते रहना और इसको शेयर करना मत भूलना। जरूर अपने फ्रेंड्स को बताना कि फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर इंग्लिश मीडियम के व्याकरण के वीडियोस मिलने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। तो जल्दी जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बता देना। चलिए आगे चलते हैं। और क्या है नेक्स्ट मेरे पिटारे में, क्या लाया हूं? मेरा पिटारा नहीं, गवर्नमेंट ने दिया है ये देखो, ये प्रथम भाषा है तो ये हमें नहीं लगती है, बिकॉज हमारी कौन सी लैंग्वेज आती है, हमारी सेकेंड लैंग्वेज हिंदी होती है, द्वितीय भाषा। इसमें भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है, यहां पर अगर आप देखते हो तो अभ्यास क्रमांक माथी चालू वर्ष माटे बात करेल प्रकरण, तो वो भी मैंने निकाल के रखे हुए। चलिए सीधा हिंदी के इंडेक्स पर लेके चलता हूं। तो हिंदी के इंडेक्स में आपको बता दूं क्या क्या दिया है। चलिए देखिए, फोर्थ चैप्टर, फोर्थ, जहां जहां मैंने सर्कल मार के क्रॉस किया है वो आपको नहीं करना है। फोर्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, फिफ्टीन, सेवनटीन और एटीन, तो इसमें से इतने चैप्टर चले जाते हैं। यस आपने सही सुना, हिंदी के भी चैप्टर गए हैं। ऐसे हिंदी के चैप्टर जाने का इतना दुख तो नहीं होता है, लेकिन जाते हैं तो बच्चे लोग को तो खुशी होती ही होती है कि ये मजा आने वाला है, चैप्टर कम हो गए, रीडिंग थोड़ा कम हो जाता है। लो चलिए अभी आपको उसमें बता दूं, देख लीजिए आपके गद्य के जो भी चैप्टर्स है, मतलब जो प्रोज सेक्शंस आप बोल सकते हो उसको, फोर,
10, 12 और 18 और पद्य के 11, 15 और 17। तो इतने मस्त पोयम निकाल दी है 11, 15 और 17 और प्रोज में 4, 10, 12 और 18 इतने चैप्टर निकल दिए। तो व्हाट अबाउट द व्याकरण, तो ये भी वही रहता है। व्याकरण के अभ्यास क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सारे मुद्दे पूर्णवर्तन है, पूर्वतीत है, मतलब रहेंगे, पूर्वतीत रहेंगे मतलब वो रहने वाले हैं, वो अभ्यास क्रम में है। और अगर आप लेखन विभाग में देखते हो, राइटिंग स्किल का विभाग देखते हो, तो उसमें भी कोई परिवर्तन किया गया नहीं है। डोंट वरी, इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका भी व्याकरण आप तक पहुंच सके, लेकिन मैं गुजराती जरूर बनाऊंगा बिकॉज गुजराती मैं जानता हूं इंग्लिश मीडियम को जरूर हार्ड पड़ता है। कोशिश जरूर करूंगा कि हिंदी का व्याकरण भी आप लोग तक पहुंचा सकूं बिकॉज जीएससी भी इंग्लिश मीडियम के लिए मेरी चैनल पे मैं मैक्सिमम सपोर्ट करने की ट्राई करूंगा, आप भी मैक्सिमम सपोर्ट करते रहना। चलिए अब चलते हैं आगे अपना इंग्लिश पर, मोस्ट अवेटेड इंग्लिश। अब भाई इंग्लिश तो हमारा सेकेंड लैंग्वेज नहीं होगा, इंग्लिश तो हमारा कौन सा लैंग्वेज होगा, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज होने वाला है। तो चलिए इंग्लिश का फर्स्ट लैंग्वेज शुरू करते हैं। क्या बॉय, क्या नया लाया है इंग्लिश के अंदर, हम बैठ के आपको पूरा समझाते हैं इंग्लिश में क्या नया है। देखो इंग्लिश में इंग्लिश नया है, अरे इंग्लिश में कुछ नया नहीं है, चलो बताता हूं। देखो एक साइड आप लोग ध्यान से समझ लेना, ध्यान से सुनो, आपकी दो बुक है, एक है अगर जिसने पढ़ना स्टार्ट किया उसको पता होगा, एक है फर्स्ट लाइट, दूसरी है फुटप्रिंट्स। तो पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट फ्लाइट की, ध्यान से सुनना, पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट फ्लाइट, ओके, जिसके अंदर प्रोज और पोएट्री होगी। अगर वो भी नहीं पता चल रहा है तो जिसके अंदर प्रोज और पोएट्री दोनों दी होगी वो वाली बुक। तो सबसे पहले हम लोग प्रोज की बात करते हैं। अब एक साइड देखो, यहां पर मेरा पंजा दिख रहा है, पंजे जैसा जो कॉलम है, टॉपिक टू बी इंक्लूडेड, टॉपिक टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब टॉपिक इंक्लूड हुए, इंक्लूड हुआ मतलब अंदर है और टॉपिक निकल गए। तो सर यहाँ तो सब इंक्लूड वाले ही दिख रहे हैं, मजा नहीं आने वाला, अरे लेप भारी है, लेप भारी है, आगे ग्रामर में देखो बहुत मजा आने वाला है। चलिए 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 नीचे चलते हैं, नीचे क्या है, तो देखो ये कॉलम टॉपिक टू बी एक्सक्लूडेड में आपका चैप्टर नंबर 8 मिस बिल द ऑटर, वो चैप्टर निकल जाता है, मिस बिल द ऑटर, ये वाला चैप्टर निकल गया, मींस आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है। क्या मजा आता है सर जब आप बोलते हो नहीं पढ़ना है, अगर मजा आ रहा है तो लिखो हैशटैग मजा आ गया। अब चलो पोएट्री सेक्शन में चलते हैं, पोएट्री सेक्शन क्या बोलता है, पोएट्री पोएट्री, अरे बहुत ही भारी लगती है सर, इसके क्वेश्चन आंसर ज्यादा भारी लगते हैं। तो देखो यहाँ पर टॉपिक टू बी एक्सक्लूडेड में आपको चैप्टर 3 टाइप जो है उसमें शायद ये जो पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, वो अभी निकाल दी है। एक्सक्लूडेड कॉलम आपकी ब्लू कलर की है, ध्यान दे देना एक्सक्लूडेड है मतलब सिलेबस में नहीं है, निकल गई, वो सिलेबस से निकल गई, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं, द ट्रीज, द ट्रीज को भी हम लोग ने चैप्टर में से निकाल दिया, अरे सही है भाई सही है, चैप्टर पोयम जो 7 पोयम थी आप लोग की वो भी निकाल दी। ये सब आपके फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक में मिल जाएगा, आपको ध्यान से देख लेना, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो मैं ऐसा समझ रहा हूं, ठीक है। फिर आपको चैप्टर 8 मतलब पोयम 8 सॉरी वो भी निकाल दी, फॉग, FOG फॉग नाम की पोयम थी वो भी आपकी निकाल दी। अरे बहुत ही हार्ड लगता है पोयम के क्वेश्चन आंसर, माधा पीछी करते थे तो कितनी कम कर दी, कितना मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत खुशी है, आपको उतनी खुशी है तो लिखो ले भारी। चलिए चलिए और चलते हैं, नीचे चलते हैं, 10th चैप्टर फॉर एनी जॉर्जी, ये भी आपकी पोयम निकाल दी, मतलब 10th पोयम भी आपके सिलेबस में से निकाल दी। और कुछ निकाला है कि नहीं, और खुशी देने वाला है, नहीं 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 और खुशी नहीं, बहुत हो गया, ज्यादा हो जाएगा अभी। तो इतनी पोयम आपके सिलेबस में से निकाली हुई है। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट बुक देखते हैं, अरे सर 3-3 बुक पढ़ने की थी, थोड़ा मजा आने वाला है, 3-3 बुक। देखो सप्लीमेंट्री रीडर्स मतलब आपकी फुटप्रिंट जो बुक है फुटप्रिंट्स उसको पकड़ लेते हैं। अब उसमें से सर क्या निकाला, अरे उसमें से भी निकाला है भाई, निकाला है, क्यों नहीं निकालेंगे, बहुत निकाला होगा। देखो चलो नीचे चलते हैं, देखो 1-5 चैप्टर तो एज इट इज है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं। नीचे आते हैं 6 कट कर दो, 6 आपको नहीं पढ़ना है, ये मैं आपकी फुटप्रिंट की बात कर रहा हूं, फुटप्रिंट में आपको 6 चैप्टर
नहीं पढ़ना है, 7 चैप्टर नहीं पढ़ना है, बराबर द नेकलेस नहीं पढ़ना है, द हैक नहीं पढ़ना है, अरे खुशी कर दी, द भोली नहीं, बिहोली नहीं पढ़ना है, द बुक दैट दे सेव द अर्थ, अरे बाप रे कितने चैप्टर निकाल दिए, 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर निकाले दिए, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने, मतलब सिर्फ 5 चैप्टर आप पढ़ोगे, अरे बाप रे क्या मजा आ गया, लिखो ले भारी, ये तो मेरे लिए भी खुशी की बात है, सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ने, मतलब आपको सिर्फ फुटप्रिंट में से 5 चैप्टर पढ़ने, बाकी 5 चैप्टर गए तेल लेने, ओके तो ये चैप्टर निकल गए है, ओके चलिए इतना यहां पर हो गया टेक्स्ट बुक का। अब एक्साइटमेंट आती है ग्रामर, सर ग्रामर का क्या करना है, ग्रामर में क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, ग्रामर इतना टफ है, अरे ग्रामर में तो गवर्नमेंट ने खुश कर दिया, एकदम आपको एकदम बढ़िया वाला खुश किया है, खुश क्या किया है, तो देखो ग्रामर में भी आपको लिखा हुआ है टॉपिक टू बी इंक्लूडेड, टॉपिक टू बी एक्सक्लूडेड, व्हाइट कलर वाले इंक्लूडेड और ब्लू कलर वाले एक्सक्लूडेड, तो चलिए एक्सक्लूडेड वाला ही पढ़ेंगे, इंक्लूडेड वाला तो सर हम कर ही लेते हैं, आप एक्सक्लूडेड ही बता दो हमें खुशी दे दो। तो देखो सबसे पहले गया पंचुएशन, साला जब करते तब रॉन्ग जाता था, बहुत ही कंफ्यूजन, बहुत ही मतलब था ऐसे इजी, लेकिन साला एक ना एक गलती तो हो ही जाती, कॉमा भूल गए, एकोस्ट्रॉफी भूल गए, डबल इन्वर्टेड कॉमा भूल गए, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती थी, तो ये आपका निकल गया पंचुएशन निकल गया। फिर बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, ये बड़े कठिन लगते थे बच्चे लोग को, कुछ इजी लगते थे कुछ हार्ड लगते थे, चलिए क्या क्या कौन से टाइप के सेंटेंसेस निकाल दिए उसका जरा डिस्कशन ले लेता हूं। तो देखो डिस्कशन में ऐसा है कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू इंटरोगेटिव ये निकाल गया, मतलब एक्सक्लेमेटरी इंटरोगेटिव से सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला निकाल दिया, ठीक है लिखते जाना आप लोग या स्क्रीनशॉट लेते जाना। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव, मतलब एक अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में जाने वाला भी आपके टॉपिक से निकल गया। और बाप रे ये तो बड़ा झटका, बड़ा झटका या बड़ा मजा आया, ऐसा आप जिसको मजा आया उसको अच्छा लगेगा, जिसको इसका लॉ पता है उसको मजा नहीं आएगा। द यूज ऑफ सून एज, नो सूनर देन, हार्डली, वेन, स्केली, वेन, ये सारा निकाल दिया, मतलब ये इसका यूज जहां पर भी आपको पता होगा सेंटेंसेस में यूज करने बोलते थे, तो ये जो यूज करने वाला है इसको भी डाल दिया खड्डे में, लेकिन ये किसी के लिए अच्छा होगा किसी के लिए खराब होगा, जिसको रूल पता है इसको कैसे यूज करते हो वो सोचेगा यार रखना मांगता था, ये मांगता था अपने को, लेकिन कोई सोचेगा जाने दो। अरे बाप रे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन गुड बेटर बेस्ट ऐसी वाले जो होते हैं ना सुपरलेटिव, वो सारे डिग्री वाले भी निकाल दिए हैं, ओके डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक भी आपका निकल गया है। फिर आते हैं वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्ट्रास्ट मतलब जहां पर आपको वर्ड यूज करना पड़ता है बट ऑल्दो हाउएवर स्टिल, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स वो यूज करके आपको सेंटेंस बनाने होते हैं वो भी निकाल दिए। फिर एक्सप्रेसिंग वेज, एक्सप्रेसिंग वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशनल, मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस थे वो सारे भी आप लोग के कंडीशनल सेंटेंस भी निकाल दिए यार, उसमें बहुत याद रखना पड़ता है, आप एक बार सर्च करना कंडीशनल सेंटेंस आपको पता चल जाएगा कितना लगता था उसके अंदर। और लास्ट इंटरचेंज ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अरे ये तो बड़ी बात हो गई साला, कितना भी कर लो रॉन्ग ही जाता था, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स को इसमें बनाओ इसमें बनाओ, वो उसमें तो रॉन्ग ही होता था, वो निकाल दिया, मजा आ गया इसको तो निकालना ही था, बिकॉज इसमें गारंटी स्टूडेंट्स गलती करते थे, सर साला समझ ही नहीं आता है कब क्या लेना है कब क्या क्या लगाना था, तो ये निकाल दिया इंटरचेंज ऑफ सिंपल कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अरे सर क्या रिलैक्स वाली फीलिंग दी है, अरे रिलैक्स वाली फीलिंग होगी ना ग्रामर में, इतना सारा कम करोगे तो यार बच्चे लोग तो खुश हो जाएंगे, अगर खुशी मिली है तो लिखो हैशटैग खुशी। चलिए आगे चलते हैं, आगे और क्या है, आगे एक और खुशी देने वाला हूं, बड़ी सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज, क्या है बड़ा सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज ये है कि राइटिंग स्किल के अंदर भी आपका अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम आती थी वो निकाल दी है। सही सुन रहे हो, राइटिंग स्किल के अंदर आपका जो अनसीन पैसेज और अनसीन पोयम ये दो चीज आती थी वो निकाल दी। देखो टॉपिक टू बी एक्सप्लेन, प्रोज कॉम्प्रिहेंशन एंड पोएट्री कॉम्प्रिहेंशन, ये आपका राइटिंग स्किल का जो पार्ट था लास्ट पार्ट जिसमें बोलते थे उस पार्ट के अंदर से ये निकाल दिया है, तो इसका मतलब अब हमें नया ब्लूप्रिंट मिलने वाला है। अब ये नया ब्लूप्रिंट जिस दिन भी आएगा कि उस दिन मैं आपको जरूर उसके बारे में पूरा नॉलेज दे दूंगा कि हम लोग को सैंपल पेपर से लेकर ब्लूप्रिंट तक देना पड़ेगा,
ताकि हम लोग स्टूडेंट का के पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से और समझ सके। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो शेयर करना मत भूलना। मेरी चैनल के लिए नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं GSEB इंग्लिश मीडियम के जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी चेंजेस है आपके लिए लाते रहूंगा। और मेरे साथ थर्सडे को SS का वीडियो देखना मत भूलना, जहां पर आपको चैप्टर 8 समझाने में आने वाला है। तो चलिए इसी के साथ मैं आपके साथ यहाँ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।